नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम सेलिब्रिटी विद अस में हमारे साथ जो खास सेलिब्रिटी मौजूद है मृणाल जी जैन, इनको किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने किरदार का जो है अभिनय 2008 से शुरू किया था। हमारा भारत सीरियल में जिन्होंने इन्होंने कृष्णा का रोल किया था। इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया है और कई सारी मूवी में भी काम किया। हाल ही में जो सूर्यवंशी फिल्म आई थी उनमें भी सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, जो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। इसी के साथ इनका जो किरदार है वो न केवल मुंबई में ही बल्कि पूरे भारत में इन्होंने अपने किरदार का लोहा मनवाया है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत जी। सबसे पहले तो सर आप मेरे दर्शकों का ये सवाल है कि मृणाल जैन और पिनवाड़ा क्या संबंध है? पिनवाड़ा में हमारा खुद का मंदिर है, तो हर साल ध्वज पूजा होती है जिसे हम कहते हैं। तो आज 9 साल बाद वापस आया हूँ मैं पिनवाड़ा। तो पिनवाड़ा मेरे दादाजी, मेरे डैडी, सबका हमारा गाँव है, तो आना बनता है। बेसिकली हमको जहाँ तक जानकारी मिली वहाँ तक कि आपका बोन वो भी पिनवाड़ा में हुआ था। नहीं, बोन अहमदाबाद में हुआ है, बट मैं हूँ पिनवाड़ा से। अच्छा, आप मुंबई में रहते हुए, मुंबई एक महानगरी है, सपनों की नगरी है, बीजी नगरी है, उसमें रहते हुए पिनवाड़ा और राजस्थान को किस प्रकार से मिस करते हैं? काफ़ी मिस करता हूँ, बिकॉज यहाँ जो शांति मिलती है लोगों के बीच, यहाँ पे जो मंदिर में जाके जब आरती होती है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुंबई के जो कहते हैं ना कि फास्ट पेस लाइफ में कई बार मिस आउट हो जाती है। तो कहते हैं कि अपनी अपना देश, अपना गांव, अपनी मिट्टी, वो हमेशा पिनवाड़ा रहेगी। और पिनवाड़ा में आके आपको वो सुख शांति और एक शहर के भागा दौड़ से थोड़ा दूर होकर मन को शांति मिलती है, इसलिए आना मिलता। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में यदि किसी को, हमारे सिरोही या पिनवाड़ा के लड़के को ये अगर बॉलीवुड ट्राई करना, टीवी सीरियल ट्राई करना है, तो उसके लिए कितना टफ कंपटीशन होगा? देखिए, मैं सिर्फ सीरियल में या इसमें टफ कंपटीशन नहीं मानता हूँ, मैं जिंदगी के हर एज या हर करियर में अप्रोच के लिए थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन मानता हूँ। और यही है कि जिसमें जिसकी इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं, वो हिसाब से उसको जाना चाहिए। ऑफकोर्स हर कहीं ना कहीं हम फिल्मों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम भी सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बट हमें करना चाहिए और हमारा रस किसमें है, ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है कि आपको सच्ची में एक कलाकार बनना है, तो कलाकार का एक माध्यम है जाने का, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अप्रोच कीजिए, फिर अपनी कलाकार की आइडेंटिटी से रोल प्राप्त कीजिए। रोल प्राप्त करने में ऑफकोर्स कहते हैं ना कि कोई वर्फादा नहीं होता, वक्त लगता है, हिम्मत चाहिए और ज़्यादा सब्र का, इतना सब्र का आपकी टेस्टिंग होती है। तो वक्त के साथ मेहनत करते रहिए और वो किस्मत का, तो किस्मत की बात है कि कब आपके पास कौन सा किरदार है। तो आई थिंक ये इसके साथ साथ, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि जब आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप एक कलाकार बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी भर वेट नहीं कर सकते किसी रोल के लिए, क्योंकि आपका वक्त भी निकलता जा रहा है, आपकी एज भी निकलती जा रही है, और एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको दूसरा बिजनेस करते रहना। अच्छा सर, हम लोगों ने आपको टीवी के सामने देखा है और जो आपको फिल्मों में देखा है, 30 मिनट के धारावाहिक में और 3 घंटे की फिल्म में, ये हम लोग आपको देखता है, लेकिन इसके कैमरे के पीछे की लाइफ एक एक्टर की कैसी होती है? कहते ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता है। तो कैमरे पे जैसा भी दिखता हो वो हमेशा एक कलाकार दिखता है। कैमरे के पीछे की जो उसकी स्ट्रगल कहते हैं, जिसकी उसकी लड़ाई होती है, वो अलग होती है, शेड्यूल भी अलग होता है, कभी कभी परिवार के साथ वक्त भी नहीं मिलता, पर ये होता है कि ये हमने चूज़ किया कि हम एक स्टार बनना चाह रहे हैं, हम एक एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो कई चीज़ें पीछे छोड़ के आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से हर चीज़, हर कामयाब इंसान को भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो वैसे एक कलाकार को भी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ना होता है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि इस फील्ड में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो आप इस फील्ड में आने के बाद क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप अपने फैमिली को किस प्रकार से टाइम दे पाते हैं? देखिए, दोनों की चीज़, पहले तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, बट क्या होता है कि वक्त के साथ धीरे धीरे फिर आपको बैलेंस आउट करना पड़ता है, और जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है तो आप काम और उसके बीच में अपने परिवार वालों से टच में रहिए। क्या होता है, जब कैमरा ऑन होता है तो 12 घंटे के लिए आप कैमरे के सामने,
तो उस वक्त आपका फोकस माइंड लेवल सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है तो ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए। ये मैं 5-6 साल बाद सुनूँगा इस फील्ड में, फिर उनकी अहमियत समझना है, फिर अपने पिंडवाड़ा आना, ये आना, ये सारी चीज़ें उनसे ही आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प होती है। और आई थिंक कि जितना फैमिली से कनेक्शन रहेगा, जितना फैमिली से टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आप काम पर उतना ही शिद्दत से मेहनत करोगे। सर, जैसा कि अभी हम लोगों ने आपकी दो मूवी देखी है, सब कुशल मंगल और सूर्यवंशी, और काफ़ी समय से जो है आपने धारावाहिक की है, तो आपने जो है टीवी सीरियल छोड़ के 70 mm की जो है डिस्प्ले ज्वाइन कर ली है, या फिर आप उधर भी जो है वापस जा सकते हैं? नहीं, वापस जा सकता हूँ ऑफकोर्स। कुछ चीज़ों के लिए मैंने विंडो ओपन रखी है, वक्त के साथ जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। और मैंने पहले भी कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी सामने राइट आती है वो मैं लूँगा, ऑफकोर्स बैलेंस आउट करके। तो ऐसा नहीं है कि 70 mm मैं छोड़ी सी, मैं कलाकार हूँ, कलाकार अपना काम करता है और मैं वही। अच्छा सर, जैसे कि हम लोग पिंडवाड़ा से, आपके पिंडवाड़ा से बिलोंग करते हैं, सिरोही से हैं, राजस्थान से, अगर कोई राजस्थान का कलाकार मुंबई आना चाहे तो वो आपसे किस प्रकार हेल्प ले सकता है? देखिए, मेरे थ्रू से ये ऐसी हेल्प ले सकता है कि मैं उन्हें राइट लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, वहाँ जाके कैमरे के आगे उनका कहते हैं कि टैलेंट मायने करता है, वो कितना फिट होते हैं उस रोल में, वो भी मायने होता है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें मैं इतना हेल्प कर पाऊँगा जितना मैं अपने लोगों को हेल्प करना चाहूँगा, पर उसके आगे उनकी किस्मत उनकी मेहनत। जैसा पुरानी फिल्मों में हम लोग देखते थे कि जो हीरो होते थे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ अलग होता था, जैसे धर्मेंद्र जी हो गए, संजीव कपूर जी हो गए, और आज की जो जनरेशन के हीरो हैं उनकी बॉडी, सिक्स पैक वगैरह जो है उनका अलग है, तो सर इसका इसमें कितना जो है? देखिए, तो सिक्स पैक वगैरह ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, बट एक फिट बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है। ऑफकोर्स लोगों के कैरेक्टर में जल्दी से फिट भी होती है अगर आपकी फिट बॉडी है। सिक्स पैक बॉडी का मतलब फिट बॉडी नहीं है, बट एक फिट बॉडी यानी कि एक स्क्रीन पे जो आप जैसी बॉडी दिखनी चाहिए। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर का रोल हो, पुलिस वाले का रोल हो, तो वैसे सब चीज़ों में बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं जहाँ पे एक फिट पर्सनैलिटी चाहिए, मैं उसको फिट पर्सनैलिटी का बोल रहा हूँ। जैसा कि सर आपने अभी सूर्यवंशी में भी बहुत अच्छा जो है रोल प्ले किया, अक्षय कुमार जी के साथ में भी आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था उनका। सर, हम लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक का जो उनका जो डेली शेड्यूल है, आपने तो उनके साथ काम किया। बस वही स्केड्यूल है, रोज़ 3-4 बजे उठते हैं, 6 बजे वर्कआउट करते हैं, फिर 7 बजे सेट पर उठते हैं, वही है जो सुना है वही सच है। तो सर, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? एट प्रेजेंट हमारी वेब सीरीज आने वाली है मेरी रोहतक सिस्टर्स करके, वो नेक्स्ट महीने रिलीज होगी MX3 पे और ओल्ड क्वालिटी है, तो वो होगी। उसके बाद एक डेली शो टीवी सीरियल भी है जिसमें जल्दी बात चल रही है, उसमें भी होगा। कई म्यूजिक वीडियो भी किए हैं, तो वक्त के साथ नई नई चीज़ें आती रही है। हम लोग आपको अभी राजस्थान में देख रहे हैं, तो ये आपकी छुट्टियाँ माने या फिर किसी चीज़ काम से? नहीं, मैंने कहा ना कि इसीलिए मैं और कल वापस आ मुंबई गए। तो वापस सर अगर आप आएंगे तो इस प्रकार से जो यहाँ के जो सिरोही को तो एक देव नगरी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे देवों के जो हैं, तो आपने तो यहाँ के जो स्पेशल मंदिर का अभी जीरावला जी जाकर ही आ रहा हूँ, और कल मैं बामनवाड़ जी गया था, उसके पहले हजार ही गया था, तो ये सारे दर्शन करने आते ही हुए। तो आज इस बार मैंने 9 साल देर हो गई बट आया हूँ, तो बहुत मन को शांति मिलती है।